Now next put the heading cost of capital. Cost of capital. तो देखो अब जो कंपनी है वो फंड्स बोरो कहां से करेगा? कंपनी को मान लो पैसा रेस करना है तो कंपनी कैसे रेस कर सकता है? या तो तुम्हारा डेट से रेस करेगा या फिर तुम्हारा एक्विटी से रेस करेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, लिखो कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहले हम लोग करेंगे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डेट। इसको ना हम लोग बहुत बार केडी भी बोलते हैं, केडी। अब एक चीज समझना तुम लोग, इधर देखो। मान लो मैंने 1 लाख का लोन लिया 5% में, तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो गया ईयरली? 5,000। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये जो इंटरेस्ट, ये क्या है? ये एक्सपेंस है ना, इनकम है, एक्सपेंस है। क्योंकि अगर मैंने लोन लिया है तो मेरे को 5,000 रुपया इंटरेस्ट का देना पड़ेगा, राइट? तो 5,000 रुपये ये मेरा डेबिट साइड में आएगा ना। मान लो पहले मेरा इनकम था 80,000, तो अब मेरा इनकम कितना हो जाएगा? मान लो पहले मेरा इनकम था 80,000, अब मेरा इनकम कितना हो जाएगा? 75,000। और मान लो कंपनीज के लिए टैक्स रेट इज 30% फ्लैट, मतलब जितना भी आपने इनकम किया उसका आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मान लो ये लोन नहीं होता तो मैं कितना का टैक्स देता? 80,000 का 30% मैं इतना टैक्स देता, कितना होता बताओ? 24,000। लेकिन अब मैंने 5,000 रुपये ब्याज का दिया तो अब मेरा इनकम रिड्यूस हो गया। कितना से रिड्यूस हो गया? 5,000 से। तो अब मेरा इनकम कितना है? 75,000। तो अब मैं टैक्स कितना दूंगा? 75,000 का, विच इज करके देखो कितना आ रहा है, 75,000 का 30%। 75,000 इंटू 30%, 22,500। अच्छा तुम लोग को क्या नहीं लगता है इंटरेस्ट पे किया तो मेरा टैक्स में सेविंग्स हो गया? देखो तुम लोग के सामने ही है, अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया है तो मेरा टैक्स में सेविंग्स हो गया ना। टैक्स में कितना सेविंग्स हुआ? 1,500 का मेरा टैक्स में सेविंग्स हो गया। तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं तो हम लोगों का टैक्स में सेविंग्स होता है, ठीक है? इसको कॉपी कर लो एक बार। ये मैं तुम लोगों को करा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को फॉर्मूला समझाना है मेरे को। मेरे को जो एप्ट लगेगा मैं उस सोर्स से पैसा रेस करूंगा, करेक्ट? अब देखो, अब सुनो, मैं क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं? केडी। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट। माने मैं जो पैसा रेस कर रहा हूं थ्रू डेट उसका कितना खर्चा लगेगा? जो मेरे को पैसा दे रहा है उसके लिए इनकम है, लेकिन कंपनी तो पैसा रेस कर रहा है ना, तो कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट।
सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा कॉस्ट ऑफ इर रिडीमेबल डेट. व्हाट इज इरिडीमेबल? इरिडीमेबल का मतलब होता है जो कभी रिडीम नहीं होगा. मैंने आपको लोन दे दिया, आप बस खाली मेरे को देते रहो और कुछ नहीं चाहिए, इंटरेस्ट देते रहो बस. इरिडीमेबल डेट. आजकल ऐसा इशू नहीं होता है क्योंकि कोई पैसा क्यों देगा. कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट लिखना, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ इशू. इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ इशू. नेट प्रोसीड्स ऑफ इशू मतलब सुनो सुनो सुनो, तुमसे 100 रुपए मंगवाए, तुम बोले सर 2 रुपया बस का भाड़ा, तो आपके पैसे से काटेंगे, तो मेरे को नेट में हाथ में कितना मिला? 98. तो जब हम लोग पैसा मंगवाते हैं ना, जैसे मान लो तुम लोग 2 जन है, तुम लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टर लोग हैं, हम तुम लोग के लिए चाय पानी सब, तो कॉस्ट लगता है, वैसे फाइनेंशियल को एक्सपेंसेस भी है, तो बोलते कॉस्ट ऑफ इशू. ठीक है, तो नेट प्रोसीड्स ऑफ इशू से डिवाइड करेंगे तभी तो पता लगे. सुनो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको 3 रुपए दूंगा हर साल, जिसमें मेरा 1 रुपया टैक्स बचेगा. तो वही क्या, देखो इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट, समझना कैसे क्या, ये तो सिखाया ना अभी. अल्टीमेटली देखा जाए तो मैंने 5,000 का ब्याज पे किया और 5,000 का 30% 1,500 मेरा टैक्स में बचत हो गया. यही तो है ना, जितना इंटरेस्ट पे किया इंटू टैक्स रेट इज माई बचत. तो मेरा खर्चा कितना लगा? 3,500. मैं बोल रहा हूं मैं आपको 5,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया, अरे भाई 5,000 रुपए इंटरेस्ट पे करने से 1,500 रुपए टैक्स भी तो बचा, तो नेट में कितना लगा खर्चा? 3,500. वही तो है इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट. डिवाइड किससे किया इसको? नेट प्रोसीड्स ऑफ इशू. सर व्हाई नॉट ग्रॉस प्रोसीड्स? अरे जो खर्चा लग गया ना, कुछ खर्चा नहीं है तो फिर ग्रॉस से ही करेंगे. ग्रॉस से जब खर्चा माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नेट. ठीक है, इरिडीमेबल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पहले होता था, मान लो मैंने तुमको बोला तुम मेरे को लोन दो 500 का, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा बस, वो कभी रिडीम नहीं होगा, मैंने आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी वापस नहीं मिलेगा, दिस इज इरिडीमेबल डेट. बट आजकल वैसा नहीं होता है, आजकल एक पर्टिकुलर टर्म के लिए ही आप लोन इशू कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर लोन, 10 ईयर लोन, 15 ईयर लोन, 20 ईयर लोन, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए ही आपका लोन इशू हो सकता है. क्लियर मैं जो बोलना चाहता हूँ? ये लो कॉपी कर ली आप लोगों ने, एक और फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट लिखना, केडी इज इक्वल टू, एक मिनट, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट प्लस एवरेज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट प्लस एवरेज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. एवरेज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज लायबिलिटी. एवरेज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट प्लस एवरेज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज लायबिलिटी. हा 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 0.3. हा हा. अब इसमें दो चीज में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सबसे पहले लिखिएगा एवरेज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. एवरेज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, नाउ दिस इज इक्वल टू
रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू समझ गया ना, मतलब जब पैसा वापस मिलेगा। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, पैसा वापस मिलना। रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स मतलब वो पैसा जो आज मिलेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नो नो, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स पूरा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तभी तो एवरेज निकलेगा ना। चीज समझना, नेट प्रोसीड, सुनो सुनो, नेट प्रोसीड्स आया 800 और रिडेम्पशन कर रहे हैं 1000 में। मेरे को तुम लोग दिया 800, हम बोले जब वापस देंगे ना तो 1000 देंगे प्रिंसिपल, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए 5 साल में, तो एवरेज कितना एक्स्ट्रा दिए हर साल, 40 रुपये ना। हम बोले आज मेरे को 800 दे दो, हम तुमको 5 साल बाद 1000 दे देंगे। इंटरेस्ट जो देंगे वो तो अलग ही है, इंटरेस्ट जो देंगे वो तो अलग ही है, तो कितना एक्स्ट्रा दिए, 200, 200 पूरा पीरियड में, मान लो 5 साल का था, तो क्या करेंगे 200 बाय 5, तो कितना हो जाएगा 40 पर ईयर, तो उसको बोलते हैं एवरेज। और एक लिखना, और एक क्या था, एवरेज लाइबिलिटी। तो एवरेज लाइबिलिटी लिखो, आरवी विच इज रिडेम्पशन वैल्यू प्लस एनपी विच इज नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। किसी से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, वो आज कर ले कि 5 साल बाद कर ले, 10 साल बाद कर ले, तो इसलिए क्या कि उसको प्लस उसको डिवाइड बाय 2। आरवी मतलब क्या, रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, दिस इज माय एवरेज लाइबिलिटी। तो हम लोग का जो मेन चीज था कॉस्ट ऑफ डेट में, हम लोग को दो ही ये फॉर्मूला सीखना है, ठीक है। अच्छा देखो, देख सम कराया क्या तुम लोग को, अ कंपनी सेल्स अ 4 ईयर बॉन्ड एट 10,000, ये सब कराया है क्या? ये नहीं कराया क्या, कंपनी सेल्स अ 4 ईयर बॉन्ड? एवरेज लाइबिलिटी, हाँ, तो एवरेज लाइबिलिटी में क्यों क्या करेंगे, एवरेज लाइबिलिटी निकाल रहे हैं। हम बोल रहे हैं आज 800 है, तुमको देंगे 1000, तो 800 ले कि 1000 ले, इसलिए 800 प्लस 1000 को डिवाइड बाय 2 कर दिए, समझा। डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, कोई बेस तो चाहिए, तो वो आज का ले कि मतलब 5 साल बाद कर ले, तो दोनों को इसलिए ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिए। हाँ वही 900, हाँ दैट बिकॉज दैट इज, इसका लॉजिक है। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, देखो देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये कॉपी कर ले दोनों पूरा। अब देखो एक स्ट्रक्चर देखो, कंपनी आज रेस कर रहा है 800, एक बॉन्ड इशू किया जिसका फेस वैल्यू है 1000, बट उसको आज बोल रहा है फेस वैल्यू नहीं देना है, आपको 800 देना है। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग होता है। फेस वैल्यू तो जो बॉन्ड में लिखा हुआ है वो, कि जो इस बॉन्ड का होल्डर होगा 5 साल के बाद में उसको 1000 रुपये मिल जाएगा। एंड यही बॉन्ड आज मार्केट में कितना में इशू हो रहा है, 800 में। तो आज कंपनी को कितना मिल गया, 800। कंपनी बोलता है हम आपको 10% ब्याज देंगे फेस वैल्यू पे, तो बताओ कितना कितना ब्याज देगा, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे, बताओ कितना कितना ब्याज देगा, जल्दी बताओ। 100 100 100 और यहां पर भी 100, और जो 1000 रुपये बोला था, ये जो बॉन्ड है मेरा, बॉन्ड में लिखा हुआ है फेस वैल्यू 1000, तो मार्केट प्राइस तो बॉन्ड का फ्लक्चुएट कर सकता है ना, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, इंटरेस्ट रेट भी डिपेंड करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब जैसे देखो कंपनी का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट। तो कंपनी 100 रुपया ब्याज दे रहा है हर साल, मैं आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकाल के दिखा रहा हूं पर एनम बेसिस में। तो कंपनी 100 रुपया ब्याज दे रहा है हर साल, तो 100 रुपये में मान लो टैक्स रेट इज 35%, तो 100 रुपये जो ब्याज दे रहा है उसमें उसका 35% करके टैक्स बचेगा, तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0.35। कंपनी का और क्या खर्चा लगा, ध्यान से देखना, कंपनी को आज मिला कितना, कंपनी को आज मिला कितना 800, कंपनी को देना कितना पड़ेगा 1000, तो कंपनी कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 200। वो 200 कैसे आया, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय, अब ये तो 5 साल में देना है ना, एक बार का इवेंट है, मेरे को तो पर एनम बेसिस में निकालना है, तो पर एनम बेसिस में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ रहा है
40, और कंपनी को नीचे में क्या करे, आप सुनो, नीचे में 800 ले कि 1000 ले, इसलिए क्या किए, 800 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2। याद आ रहा है जब लोग रेशियोज वगैरह करते हैं तो रेशियोज में क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं हमेशा, नीचे में एवरेज डेटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो वही तो कर रहे हैं, 800 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा बताना, 900। तो ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, ये एग्जांपल को कॉपी कर लो। टैक्स रेट 35% है। तुम लोग फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, कहीं ये 8 बोलेगा कंपनी का मार्केट वैल्यू 800 है तो 800 का 10%, नहीं, ये जो कूपन रेट है, देखो यहां पर देखो, दिस कूपन रेट इज पर एनम 10% पर एनम, दिस कूपन रेट इज 10% पर एनम। तो कूपन रेट जो है वो तुम्हारा हमेशा फेस वैल्यू पर ही लगेगा। ठीक है, देख लो कितना आ रहा है, ये भी बता देना, 1800। कितना आ रहा है मेरे को ये भी बता देना, 1000 नहीं फिर से बोलो। हाँ, एवरेज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये 40 कैसे आया देख लो, ये 40 आ रहा है 1000 माइनस 800 डिवाइड बाय 5, एंड 900 कैसे आ रहा है देख लो। हाँ, मजा आ रहा है तुम लोग ये सब समझ के। ये सब उन लोग का वो बन रहा है, मतलब बेसिक्स। ठीक है, ओके, ये समझ में आया तुम लोग को, 11.67% आ रहा सबका। अब नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर आज हम लोग का क्लास हो जाए। एक एक क्वेश्चन लिखो, लिखो, अ कंपनी सेल्स अ 4 ईयर बॉन्ड, अ कंपनी सेल्स अ 4 ईयर बॉन्ड ऑफ रुपीज 10,000, अ कंपनी सेल्स अ 4 ईयर बॉन्ड ऑफ रुपीज 10,000 एट द रेट 12.5% पर एनम इंटरेस्ट, एट द रेट 12.5% पर एनम इंटरेस्ट, द बॉन्ड विल बी amortized equally, the bond will be amortized equally over its life, the bond will be amortized equally over its life, full stop. What will be the present value of the bond, what will be the present value of the bond for an investor who expects, for an investor who expects a minimum rate of return
हु एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम. हु एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम. देखो कंपनी ने 4 ईयर बॉन्ड इशू किया 12.5% का, 10,000 वैल्यू का. तो सबसे पहले कंपनी बताओ ब्याज कितना देगा, 10,000 का 12.5%. एंड द बॉन्ड विल बी एमोर्टाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ, मतलब हर साल में 2,500 करके प्रिंसिपल रिपे करूंगा. मतलब पहला साल में 2,500 रिपे करूंगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, दूसरा साल में फिर से 2,500 पे करूंगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तीसरा साल में फिर से 2,500 पे करूंगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, एंड चौथा साल में फिर से 2,500 पे करूंगा अलॉन्ग विथ द बैलेंस इंटरेस्ट. हाँ द बॉन्ड विल बी एमोर्टाइज इक्वली लिखा है ना. प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड निकालना है. अच्छा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम. जो टालने का जो रेट होता है ना, जिससे हम लोग पुल बैक करते हैं, वो हमेशा इन्वेस्टर्स का रेट होता है. कौन सा रेट? इन्वेस्टर्स का. देखो इन्वेस्टर का रेट कितना दिया है, मतलब ये मेरा डिस्काउंट रेट हो गया, मतलब 12% मेरा डिस्काउंट रेट हो गया. आप लोग कॉलम्स बनाओ, 5 कॉलम बनाना. सबसे पहले बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर ईयर 1, 2, 3, 4. सबसे पहले बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर ईयर 1, 2, 3, 4. पर्टिकुलर्स, फिर बनेगा ईयर 1, 2, 3, 4. सबसे पहले प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग. प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग देखो ईयर 1 में कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, 10,000. फिर 2,500 चुका दिए पहला साल. खाली प्रिंसिपल का बात कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट का बात नहीं कर रहा हूं अभी, खाली प्रिंसिपल का बात कर रहा हूं. कितना चुका दिए, 2,500. अब कितना बच गया, 7,500. फिर 2,500 चुका दिए कितना बचेगा, 5,000. फिर 2,500 चुका दिए कितना बचेगा, 2,500. क्लियर? तुमने देख रहे हर चीज में घूम फिर के वही, फिर वही डिस्काउंटिंग वाला चीज आ जा रहा है. कहीं से भी स्टार्ट करेंगे वहीं आएंगे. नेक्स्ट कॉलम लिखना प्रिंसिपल रिपेड. प्रिंसिपल रिपेड, तो प्रिंसिपल रिपेड में क्या क्या आएगा बताना. 2,500, 2,500, 2,500, 2,500. इतना ही तो रिपे कर रहे हैं ना. द बॉन्ड विल बी एमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 4 ईयर्स. तो हर साल में 2,500 पे कर रहा हूं. फिर लिखना इंटरेस्ट एट द रेट 12.5%. इंटरेस्ट एट द रेट 12.5%. तो इंटरेस्ट किस में लगता है, ध्यान से सुनो. इंटरेस्ट लगता है मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे. मुंह से बोलो किस पे लगता है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे. तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मेरा कितना है, 10,000. तो पहला साल मेरा इंटरेस्ट कितना लगेगा, सुनो इसको शॉर्टकट कैसे करने का. 0.125 इंटू इंटू 0.125 इंटू इंटू अब करो 10,000 इक्वल टू कितना आ रहा बताओ. हाँ फिर करना 7,500 इक्वल टू, तुम तो एसी दबा दिया. हाँ 7,500 इक्वल टू 0.125 इंटू इंटू, फिर आप 10,000 करोगे इक्वल टू, तो आपका आंसर आ जाएगा. 7,500 इक्वल टू करोगे तो आपका फिर से आंसर आ जाएगा. बोलो कितना आ रहा है, कितना, 938. वही फिर कितना आ रहा है बताना. बोलो क्या नाम है, शिवानी बोलो. एक तो दो तो बोलो. 625. फिर थ्री वन टू पॉइंट फाइव. फिर अच्छा ये हो गया. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को लिखना है टोटल कैश फ्लोस, टीसीएफ. टोटल कैश फ्लो मैंने हम कितना टोटल में दिए, समझा. जैसे मान लो कंपनी क्या किया, कंपनी बॉन्ड इशू किया तो कंपनी को 10,000 मिल गया. अब कंपनी क्या बोल रहा है, धीरे धीरे चुकाएगा, तो कंपनी ब्याज भी देगा और प्रिंसिपल भी देगा. तो ब्याज कितना दे रहा है, ये मेरा ब्याज का अमाउंट हो गया, और प्रिंसिपल हर साल 2,500 चुका रहा है. तो टोटल कितना दिया वही बोल रहे हैं. इन दोनों को प्लस कर देंगे, कॉलम माने दूसरा एंड तीसरा को प्लस कर देंगे, तो बताओ कितना आ रहा है, 3,750. 2,500 प्रिंसिपल का दिया और 1,250 ब्याज का दिया, तो टोटल कितना हो गया,
हाँ उन दोनों को प्लस करना है। टोटल कैश फ्लो कितना हुआ मेरा, 2500 हम प्रिंसिपल का दे दिए एंड 1250 हम इंटरेस्ट का दे दिए, तो टोटल कितना हो गया 2500 और 938, बताओ कितना होता है 3438, फिर बताना 3125, फिर बताना 38 तो नहीं होगा, 2813 है, 2812.5। ओके अब देखो, अब यहां पर लिखना डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%। अच्छा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%, तो सुनो ध्यान से सुनो मेरी तरफ, पहले क्या करेंगे 1 डिवाइड 1.12 इक्वल टू करेंगे तो पहला साल का आएगा वो लिख देंगे, फिर जब इक्वल टू करेंगे तो दूसरा साल का आएगा वो लिख देंगे, फिर जब इक्वल टू करेंगे तो तीसरा साल का आएगा वो लिख देंगे। चलो कॉलम भर के दिखाओ, करो 1 डिवाइड 1.12 कितना आ रहा है, 1 डिवाइड 1.12 बताओ कितना आ रहा है, 0.89, 4 डेसिमल बोलो, 2.8, फिर दूसरा इक्वल टू दबाओ, अच्छा ये लो 1 डिवाइड 1.12 इक्वल टू, फिर इक्वल टू दबाओ बताओ कितना आ रहा है, फिर 6355 ये आ गया। अब लिखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कैसे करेंगे, टोटल कैश फ्लो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर कर दो, आंसर निकाल दो। एंड सुनो, हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का सम, सबसे पहले सारा कैश फ्लोज निकालो, प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे, टीसीएफ इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, टीसीएफ इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ कितना आ रहा है, 3750, हाँ 3750 इंटू 89 3348, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टीसीएफ निकालो और फिर चारों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 3348, 2741, 2224, 1788 या फिर 87 जो भी, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, समेशन का सिंबल पता है ना तुम लोग को, समेशन देख लो कैसे लिखा मैंने, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, तो 3348 प्लस 2741 प्लस 2224 प्लस 1788, यहां पर फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 10,000 एंड मार्केट प्राइस जो मैं अभी निकाला हूं कितना आया रहा बताओ, मेरा तो 10101 आ रहा है, चेक कर लेना एक बार, इन चारों का सम दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और द मार्केट प्राइस। कितना आ रहा है, आ रहा है पक्का बोलो, कैलकुलेटर मैं क्यों ही लूंगा तुमसे, मैं दिमाग कैलकुलेटर की तरह काम करता है, इंसान ने कैलकुलेटर को नहीं बनाया, सॉरी इंसान ने कैलकुलेटर बनाया, दिस इज नॉट चिट चैट क्लास, 2 मिनट बाहर वेट करो, अरे रुको ना, ठीक है ये 4142 4344 क्या लिखा है, यू हैव रिटन 4142, दिस व्हाई कांग्रेचुलेशंस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना आ रहा है, एक्चुअली मैंने इसको मार्केट प्राइस नहीं बोलेंगे क्योंकि ना देखो अभी हमने क्या किया है, ध्यान से सुनना, अभी हमने इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न से पुल बैक किया, राइट, तो मार्केट प्राइस को काट के लिख दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, बिकॉज ये मार्केट प्राइस नहीं हुआ, मार्केट प्राइस पता कैसे आएगा, जब हम लोग
मार्केट इंटरेस्ट रेट से पुल बैक करेंगे। देखो मार्केट का इंटरेस्ट रेट एक ही हो सकता है, बट इन्वेस्टर्स के तो अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न हो सकते हैं ना। अगर मान लो मेरे को 15% चाहिए रिटर्न, इसको 20% चाहिए रिटर्न, किसी को 30% रिटर्न चाहिए, तो इन्वेस्टर के अलग अलग सब्जेक्टिव रेट्स ऑफ रिटर्न हो सकते हैं। मेरे को अगर 15% रिटर्न चाहिए तो मैं बॉन्ड के कैश फ्लोज को 15% में टानूंगा। मेरे को अगर 20% रिटर्न चाहिए तो मैं बॉन्ड के कैश फ्लोज को 20% से टानूंगा। तो ये जो आया है ना, ये प्राइस, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आया है, ये मेरे हिसाब का प्राइस है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो मेरे तो देखो तुम लोग, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर किसी का 15% होगा तो वो 15% में टानेगा, अगर किसी का 20% होगा तो वो 20% में टानेगा, अगर किसी का 30% होगा तो वो 30% में टान के प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा। लेकिन मार्केट इंटरेस्ट रेट में जब पुल बैक करेंगे तो मार्केट प्राइस आना चाहिए, बिकॉज मार्केट इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पैसा का सप्लाई वगैरह सब कुछ, बहुत सारा फैक्टर्स होता है इसमें इंटरेस्ट रेट में। आरबीआई का रेफरेंस रेट, टैक्स का जो है उस कंट्री में, फॉरेन कंट्री में किस तरीके के रेट्स चल रहे हैं, जी समझा। ये जो प्राइस आया है, देखो एक बार देखो फिर से, ये जो 10,101 आया है ना एट द रेट 12%, ये 12% कौन सा है, मेरा रिटर्न, मेरा डिजायर्ड रिटर्न। अब मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 15%, तो जब 15% में कैश फ्लोस को पुल बैक करेंगे तो क्या आएगा, मार्केट प्राइस। एंड फिर हम कंपेयर करेंगे कि सस्ता है कि महंगा है। ये तो मेरे हिसाब से प्राइस होना चाहिए। मार्केट में दो ही केस हो सकता है, या तो 9,800 में ट्रेड हो या फिर 10,200 में ट्रेड हो, समझ गया, एक ऊपर एक नीचे लिए। तो अगर 9,800 में ट्रेड हो रहा है तो मेरे हिसाब से दाम कितना होना चाहिए था, 10,101, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, 9,000। मार्केट में क्या हो रहा है बताओ, 9,800 में मिल रहा है तो क्या होगा बताओ, क्या करेंगे, ले लेंगे। लेकिन अगर वही चीज मार्केट में 10,200 में मिल रहा है तो क्या करेंगे, नहीं लेंगे, समझ गया। तो इस केस में एक्शन क्या होगा, बाय, और इस केस में एक्शन क्या होगा, नॉट बाय। तो मार्केट प्राइस कब डिटरमाइन होगा, मार्केट प्राइस डिटरमाइन होगा बाय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड अकॉर्डिंग टू माय रेट ऑफ रिटर्न। एंड मेरा 12% है, मेरे को अपने पैसे पे 12% का रिटर्न चाहिए, किसी और को 15% का रिटर्न चाहिए होगा, किसी को 20% का रिटर्न चाहिए होगा, तो वो अपने रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंट करेगा कैश फ्लोस को। आर यू गेटिंग दिस थिंग, कहां से नहीं समझ में आया बताओ। अगर मान लो मार्केट प्राइस 12,000 है तो मेरे, तुम समझो ना, जिस चीज का मेरे हिसाब से दाम होना चाहिए 10,100, वही चीज मार्केट में क्या कितना में मिल रहा है, तो लेंगे कि नहीं लेंगे, क्यों लेंगे। जिस चीज का मेरे हिसाब से दाम होना चाहिए 10,100, वही सेम चीज मार्केट में कितना में मिल रहा है, 12,000 में। एकदम इसे छोड़ दो, मैंने 12% में टान के निकाला क्या, मैंने 12% में पुल बैक किया ना, तो 12% में पुल बैक करके मैंने क्या निकाला, 10, ये मान लो ये निकाला, मान लो यही चीज, इसी चीज का दाम मार्केट में चल रहा है या तो 12,000 या फिर 8,000। आप जब सामान खरीदने जाते हो, आपने अपने पर्स में 10,100 रुपये लेके गया है, ये आपके हिसाब से दाम होना चाहिए, उसका दाम अगर 8,000 है तो क्या आप क्या करोगे, बाय, बिकॉज सस्ता मिल रहा है ना। और अगर उसी का दाम 12,000 चल रहा है तो फिर आप क्या करोगे, नॉट बाय। तो ये जो है ना, ये वाला जो प्राइस है, ये मार्केट प्राइस होता है, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड, सप्लाई, लॉट ऑफ थिंग्स। क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर। मैंने अपने हिसाब से बॉन्ड का दाम क्या निकाला, 10,100, 12% में। अब मार्केट में मान लो वही चीज 12,000 में मिल रहा है, महंगा मिल रहा है ना, तो क्यों खरीदेंगे। और अगर 8,000 में मिलता तो क्या करते हैं, बाय। अब मान लो मैंने अपने हिसाब से रिटर्न निकाला, प्राइस निकाला है 9,500, ये मेरा है, मेरे हिसाब से कोई भी चीज का दाम 9,500 होना चाहिए। अब दो केस हो सकता है, या तो 9,000 होगा या फिर 10,000 होगा, तो क्या करेंगे बताओ। 9,000 वाले में क्या मतलब, मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो क्या कर लेंगे, बाय।
और 10,000 मतलब क्या मार्केट में, तो क्या करेंगे नॉट बाय, हाँ तो इसलिए 12% आने ना, तो ये उसके हिसाब से प्राइस हुआ। हाँ